माननीय मुख्य अतिथि, शिक्षक, माता पिता और मेरे सभी प्रिय मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही खास दिन है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हम 26 जनवरी 1950 से हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था और साथ ही साथ भारत का संविधान लंबे संघर्ष के बाद भारत में लागू हुआ था। भारत का संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है और आज हम उन्हें भी याद करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और उसके 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। गणतंत्र का अर्थ होता है देश में रहने वाले लोगों को अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार। हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के काफी संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली, भारत का अपना संविधान बना जिसमें सभी नागरिकों के मूल कर्तव्यों, नियम और कानून का उल्लेख है। हम अपने देश के प्रति उनके बलिदान को कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने ऐसा किया कि उनकी आने वाली पीढ़ियां संघर्ष के बिना जी सके और देश आगे बढ़ सके। हमें ऐसे महान अवसरों पर उन्हें याद करना चाहिए और उन्हें सलाम करना चाहिए। हमारे देश में ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर इस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जिनमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर शामिल हैं। यह सिर्फ उनके कारण संभव हो पाया है कि हम अपने राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत में विविधता में एकता दिखाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जाता है। इंडिया गेट पर भारत के राष्ट्रपति वीरों को पुरस्कार भी देते हैं। विदेश में आए मुख्य अतिथि भी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होते हैं। अंत में भारतीय ध्वज तिरंगा भी फहराया जाता है और राष्ट्रगान भी गाया जाता है। इस भाषण को समाप्त करने से पहले मैं गणतंत्र दिवस के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे एक भारतीय होने का गर्व है। हम अपने जीवन में हमारे देश में फैली जातिवाद और भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म होते देखना चाहता हूं। मैं इन चंद लाइनों के साथ अपने भाषण को समाप्त करना चाहूंगा। चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली। चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली। हम उनको प्रणाम करते हैं, जो मिट गए देश पर हम उनको सलाम करते हैं। हम उनको सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।